ये टॉपिक यूनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, ये एक पेट पेट मैकेनिकल का टेस्ट है जो कि आपके लिए मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें गाइस, पेड है ये। और इससे पहले मैं एसएससी जेई की पूरी सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। 2019 का पेपर भी अपलोड है जो कि ना तो गूगल पे मिलेगा आपको, ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ओके, दूसरी बात, ये 50 डेज की अपनी सीरीज चल रही है, रोज डेली मॉक टेस्ट की। उसके लिए मैंने सारी वीडियो, ये 7वां पार्ट होगा, सॉरी 7वां मॉक होगा ये। तो 6 मॉक अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसका भी फ़ायदा उठाएं। और ये आपका पेड टेस्ट है तो गाइस, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए मैं फ्री में अपलोड कर रहा हूँ गाइस। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन, साइकिल पेडलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये होता है कपल का। ये देखिए इसका सॉल्यूशन भी, साइकिल का पैडल तो कपल का ही एग्जाम्पल होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओपन थर्मोडाइनमिक साइकिल? तो ये आंसर है आपका बी। अब मैसेज नहीं आएंगे गाइस, नेट ऑन था। विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओपन थर्मोडाइनमिक साइकिल? तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द एप्लीकेशन ऑफ गैस लॉ आर लिमिटेड टू? तो इसका है गैसेस ओनली, ना कि गैस एंड वेपर। ओके, गैस लॉ केवल गैस पे ही लागू होता है। अपनी जो अपनी गिब्स फ्री एनर्जी है वो जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। तो गाइज, ये एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल सी जेई, स्टेट जेई, पीएसयू, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, आपको फ्री में मिल रहा है गाइज। ये इसमें रिलेवेंट क्वेश्चन है, इफ द हीट इज फॉलिंग फ्रॉम कूलर टू हॉटर बॉडी इट इम्प्लाइज डैट, सी ओ पी छोटा है इन्फिनिटी से। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। ये देखिए इसका नीचे सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा होगा। थर्ड लॉ अपना होता है द इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ नेचर। कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू फिक्स्ड रीजन इन द स्पेस। बहुत से लोग कंट्रोल वॉल्यूम को क्लोज सिस्टम कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, फिक्स्ड रीजन इन द स्पेस। गाइस, ये सिली मिस्टेक सीरीज होती है हमारी, यही मिस्टेक हो जाती है जिससे हमारे क्वेश्चन कट जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सिली मिस्टेक मैकेनिकल की सीरीज चलाई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाएगी। जो कि मैंने उसमें ट्रिक भी यूज़ करी है जिससे हमारी जो मैकेनिकल की ट्रिक है वो आपके दिमाग में बैठ जाए, बहुत मज़ा आएगा गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखिए मज़ा आना है तो कहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जुड़ के देखिए गाइस। ये बिल्कुल आपका डिफरेंट चैनल है, इसमें कंटेंट क्वालिटी और चैनल से बहुत बेहतर है, एक बार जुड़ के देखिए गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर टी डी एस इक्वेशन डी यू प्लस पी डी वी? देखिए इसका नीचे सॉल्यूशन ये है, एम के एस यूनिट ऑफ डिफ्यूजन कोफिशेंट इज, इसका आंसर है मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। देखिए कैसे होया, एन इकोनोमाइजर इज इंस्टॉल्ड इन अ बॉयलर प्राइमरी लेटर, तो इसका आंसर रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। ओके, इसका सॉल्यूशन गाइस, इसमें आप पेड टेस्ट ही आएंगे, पेड जो कि आपके लिए फ्री होंगे, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। 50 दिन तक चलेंगे ये, खूब अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप इसे एक करके जाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ गैस टरबाइन? इसका आंसर है पिस्टन। पिस्टन गैस टरबाइन से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन, इम्पल्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखिए, रैंकन थ्योरी इज वैलिड ऑफ बोथ लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट शॉर्ट कॉलम, सही है। और आयलर का होता है अपना लॉन्ग कॉलम। ये देखिए इसका आंसर। 15 क्वेश्चन, इन इम्पल्स टर्बाइन द स्टीम एक्सपेंड, तो ये होती है इन द नोजल, स्टीम केवल नोजल में एक्सपेंड होती है। स्टीफन बोल्टमैन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ब्लैक बॉडी ओनली। ओके, देखिए
फॉर थिकनेस टी ऑफ प्लेट्स ग्रेटर देन 8 mm, डायमीटर डी ऑफ द रिवेट इज वर्कड आउट बाई यूजिंग रिलेशन डी इक्वल टू 6√t से आपका रिलेशन है. इन डिजाइनिंग अ सॉफ्ट हब एंड की फॉर अ सिस्टम वीकेस्ट मेंबर टेकन इज की. देखिए की है इसका आंसर. चैन ड्राइव इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड इज 29°. द एफिशंसी ऑफ अ स्क्रू जैक इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इक्वल टू 45°-5/2. फाइव बाई टू. ओके ये गलत है, 5/2 नहीं है, 5/2 है. एलन वोल्ट्स क्या होता है अपना, प्रोवाइड विद हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड. फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्टेंट स्ट्रेस टू वर्कआउट वर्किंग स्ट्रेस. उल्टा मत कर देना, वर्किंग अपॉन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे होते हैं उसमें ये होता है वर्किंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस, वो गलत हो जाएगा. इसका आंसर है पहले अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस. ओके FOS होता है ये. ये देखिए ये न्यूमेरिकल है गाइस, ये देखिए आप क्वेश्चन है और इसका आंसर है. जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप एक अलग मिस्टेक बुक में लिख दें ताकि एंड टाइम पर रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी. बॉल बेयरिंग यूजली मेड ऑफ मीडियम कार्बन स्टील. और देखिए गाइस कितना इंपॉर्टेंट है. व्हेन अ सॉफ्ट इज सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट द इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू. इसकी मैंने देखी सिली मिस्टेक सीरीज में चलाई थी, इसकी ट्रिक बहुत अच्छी बनाई है. एक तो होता है अपना डी वाला आंसर, एक होता है अपना ए वाला आंसर. देखिए कन्फ्यूज भी हुए हम ए और डी में. तो ए कब आएगा, जब अपना बेंडिंग इक्विवेलेंट बेंडिंग स्ट्रेस इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट होगा तो अपना आएगा डी आंसर. और इक्विवेलेंट टॉर्क होगा जैसे देखिए तो ये अपना आएगा ए आंसर. सही है, ये देख लीजिए आप कन्फ्यूजन मिट जाएगा. कीज आर जनरली किसकी बनी होती हैं, माइल्ड स्टील की, जिसमें कार्बन कितना होता है 0.2%. द एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड इज 29°. द मेल पार्ट ऑफ अ सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट इज क्वार्टर. देखिए इसका आंसर गाइस न्यूमेरिकल है, देख लीजिए आप. द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 374°C. ओके क्रिटिकल, इसकी भी मैंने सिली मिस्टेक मैकेनिकल सीरीज देखना, उसकी मैंने सारी टेम्परेचर लिख रखे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर और अपना क्रिटिकल प्रेशर सब कुछ लिख रखा है. ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर सारे. फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज 0. गाइस आप कंटेंट देखिए, बस कंटेंट में क्वालिटी जरूर मिलेगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेड बिटवीन द इंजन एंड द बॉक्स क्लच. यानी क्लच जो होता है वो इंजन और बॉक्स के बीच में होता है. द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमेट्रिकल पिच इज इक्वल टू पाई. देखिए सर्कुलर पिच होती है अपनी π/d. सही है, और डायमीटर पिच होती है अपनी 1/m इक्वल टू t/d. तो गाइस देखिए मैं कैसे उसमें सॉल्व कराता हूँ अपनी जो सीरीज चलती है सिली मिस्टेक मैकेनिकल की. जैसे डायमीटर पिच है तो इसका आंसर नीचे डी होना चाहिए. ओके तो देखिए t/d है तो इसका मतलब डायमीटर पिच नीचे डी. सही है, तो दूसरे में जो मॉड्यूल होता है वो अपना d/t हो जाता है. आई समझ में. तो इस तरीके से, और जो सर्कुलर पिच है वो अपना π/d हो जाता है. सही है, तो सर्कुलर पिच π m भी हो जाता है क्योंकि d/t है तो m हो जाएगा. सही है, तो PC × PD = π हो जाता है. आई समझ में. ये तीन चीज़ें हैं अलग अलग, सर्कुलर पिच, डायमीटर पिच और मॉड्यूल. ओके मॉड्यूल जो है डायमीटर पिच का अपोजिट होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनली होता है. ओके यानी डायमीटर पिच जो होगी, अगर डायमीटर पिच यानी नीचे डी आएगा तो t/d हो गया.
सही है, टीथ अपॉन डायमीटर, ऐसी मॉड्यूल इसका उल्टा हो रहा है तो डी अपॉन टी हो जाएगा, सही है। तो सर्कुलर पिच पाई डी अपॉन टी होता है, तो पाई एम भी लिख सकते हैं उसे, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे सर्कुलर पिच और डायमीटर पिच की, तो पाई कट पिट आगे पाई बचेगा बस। इन अ कैम एंड फॉलोअर मैकेनिक्स कैम इज ड्राइवर, सेंसिटिव इनसेंसिविटी ऑफ एन एसो कोरस गवर्नर इज इन्फिनिटिव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रोज का एक टॉपिक क्लियर करता हूँ सिलेबिस्टिक मैकेनिकल में, जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाता है। आप देखिए इसमें कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, और ये डेडिकेटेड चैनल है जिसमें एक दो वीडियो रोज की आनी ही आनी है, एक भी दिन का गैप नहीं है। चाहे तो आप मेरे पीछे की 50 वीडियो देख सकते हैं, व्यूज से मतलब नहीं है मुझे, मुझे अपने कंटेंट से मतलब है, आपको फ़ायदा पहुंचना चाहिए एग्जाम में। सॉरी गाइस ज़्यादा बात हो गई। द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ लोअर पेयर इसके बीच क्या होता है, एल बराबर 2π-2π-4। देखिए ठीक, इन 4 बार मैकेनिक्स अकॉर्डिंग टू ग्रासॉफ्स लॉ द लिंक विच मेक कंप्लीट रिवोल्यूशन इज ड्राइवर। 39 आइसबर्ग गियर, देखिए मॉड्यूल पूछा है, मॉड्यूल का भी मैंने बताया था आपको डी अपॉन टी होता है, ओके। और अपना मॉड्यूल का उल्टा क्या होता है, सर्कुलर पिच, वो सॉरी मॉड्यूल का उल्टा क्या होता है, यानी डायमीटर पिच, यानी टी अपॉन डी, डायमीटर पिच मतलब डी नीचे। द डिफरेंस बिटवीन स्पेस विड्थ एंड टूल थिकनेस बैकलेस, इसका आंसर है बैकलेस ना कि टूथ स्पेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हायर पेयर, इसका आंसर है बेल्ट एंड पुली। क्लीन्स कंस्ट्रक्शन मेथड इज यूज टू ड्रॉ ग्राफिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एसिलेशन पॉलीगन, ये 45 डिग्री का होता है गाइस। द वर्किंग सरफेस अबव द पिच सरफेस ऑफ अ गियर टूथ इज टर्म्ड एज फेस, सही है, फेस ही होता है ये, एडेंडम डिडेंडम क्लियरेंस। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर्स इज इक्वल टू, इसका आंसर है सी, कॉस थीटा +5 +1 अपॉन कॉस थीटा -5 +1, दोनों में +1 +1 है, -1 कर देना एक में। देखिए फाइव थीटा क्या अपना सॉफ्ट एंगल और फाइव क्या फ्रिक्शन एंगल। इन अ बेल्ट ड्राइव द पेयर बिटवीन बेल्ट एंड पुली हायर पेयर, स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन स्टिक लाइन आर, ये होता है एडिटिकल व्हेन द फ्लो इज स्टडी, ये भी इजी है गाइस। इसमें रिलेवेंट क्वेश्चन है और इजी भी आएंगे हार्ड भी आएंगे, तो ये देखने की बहुत ज़रूरत है हमें, हमें रिलेवेंट करने हैं ना कि हमें हार्ड हार्ड कर लेने हैं ESE के, हमें JEE का है ये पेपर, ओके। शियर वेलोसिटी इज अ फिक्शन क्वांटिटी, लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज मीजर्ड बाई बैरोमीटर, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी m² / s, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और पढ़ाई में आपका बूस्ट आएगा। एक देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमिक विस्कोसिटी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो भी मैंने मिटा रखा है अपनी सीरीज में, सब कुछ है मिलेगा आपको, ऐसा चैनल मिलेगा ही नहीं गाइस, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पूरा मैकेनिकल का ऐसा चैनल मिल जाए आपको, पूरा करा देंगे मैकेनिकल, सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं भूलने की आदत ही ख़त्म करनी चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कंटेंट बनाया जिससे आपको भूल मतलब क्लियर टॉपिक पे आए हो, तो ज़रूर आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होना ही है, क्लिक इसका यह होना है जो आप इसकी वीडियो देखेंगे, और इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना, बहुत डेफिनेटली फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। तो जो अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो, रो मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी जो होती है वो अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, जिसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर का, यूनिट होती है m² / s, और जो अपनी डायनेमिक विस्कोसिटी होती है उसकी जो डेंस वो होती है, होती है n/s². यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इसकी गाइस पॉइज होती है, स्टोक अपनी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की CGS होती है, और इसकी CGS होती है पॉइज,
देखिए, और इसकी यूनिट अभी मैंने बताई थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये हमारा पार्ट 50 तक ख़त्म हो गया। पार्ट 51 से 100 तक कल आपको मिल जाएगी वीडियो गाइस। और थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार जुड़ के देखिए गाइस, इतना फ़ायदा होना है, 100% मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आपको बहुत फ़ायदा होना है। और दूसरी बात ये, इसमें मैंने व्हाट्सअप का ग्रुप भी बना रखा है, जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन कर लें, बहुत अच्छा ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सही। और आप जुड़ के देखिए गाइस, मेरी गारंटी से आप जुड़िए, एक महीने बाद अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन एक महीने के अंदर देखना कितना चेंज आता है आपके अंदर। लगता ही हमें कि हमें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन एक बार इस चैनल से जुड़ के एक एक टॉपिक देखिए, चाहे आता हो आपका एक बार देख लीजिए, लेकिन आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा वो टॉपिक कि बिल्कुल एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाएगा, ना आपको रिवीजन ना कुछ। ओके थैंक यू गाइस, सॉरी गाइस बहुत बुरा लगा वो तो, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जो भी बात है वो कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।